take next example. Integration minus 2 to plus 2 modulus of twice x plus 3 dx. Okay, so here lower limit is minus 2, upper limit is plus 2. So here also you have to use this property only. So for this, first you should know the value of c. Abhi c ka value kaise nikalna hai? Modulus ke andar jo expression hai, put that expression is equal to 0. That means twice x plus 3 is equal to 0. Therefore we can get x is equal to minus 3 by 2. Now tell me whether minus 3 by 2 lies in this interval or not. Yes, minus 3 by 2 lies in this interval. That means this value divides the number line into two sub intervals. Okay, what is the first sub interval? One is minus 2 to minus 3 by 2. Another one is minus 3 by 2 to plus 2. Okay, now in which interval the function is positive and in which interval the function is negative, that one you have to find out. Okay, so integration minus 2 to, okay, I will not write the integration part. First of all, you have to check which part will be negative and which part will be positive. So modulus of twice x plus 3, ye side mein likhne se achha hoga. Modulus of twice x plus 3 is equal to minus of twice x plus 3 as well as plus of twice x plus 3. अभी कब माइनस होगा कब प्लस होगा, कौन सा इंटरवल में माइनस होगा कौन सा इंटरवल में प्लस होगा, वो है क्वेश्चन. से एनी वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस टू एंड माइनस थ्री बाई टू, एनी वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस टू एंड माइनस थ्री बाई टू, वो पुट करना है. यहां पे नहीं, मोडुलस के अंदर अगर पुट करोगे तो वो वैल्यू नेगेटिव होने से भी पॉजिटिव हो जाएगा. पुट करना है मोडुलस छोड़ के, मतलब जस्ट ट्वाइस एक्स प्लस थ्री में ही एक्स का वैल्यू पुट करना है, मोडुलस में नहीं. ओके, इन बिटवीन माइनस टू एंड माइनस थ्री बाई टू इफ यू टेक एनी वैल्यू दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव. एक बार खुद वैल्यूज लेके चेक कर सकते हो. दैट मीन्स मोडुलस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस थ्री इफ माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, एंड मोडुलस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू प्लस ट्वाइस एक्स प्लस थ्री इफ माइनस थ्री बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू. ओके, नाउ it is confirmed that which part will be negative and which part will be positive. So now use this property a to c, that means minus 2 to minus 3 by 2. Yahan pe value negative hai ya positive hai? Negative hai. So minus ko bahar likh ke twice x plus 3 dx plus integration c to b, that means minus 3 by 2 to 2 twice x plus 3 dx. ye jo main interval दिखाया ये नहीं दिखाने से भी होगा, तुम लोगों को जस्ट क्लियर होना है ये पार्ट, लेकिन ये साइड में लिखने से अच्छा है. ओके, नाउ नॉर्मल इंटीग्रेशन माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एक्स माइनस टू टू माइनस थ्री बाई टू प्लस अगेन हियर ऑल्सो टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री बाई टू टू प्लस टू. नाउ जस्ट पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, विल गेट द आंसर. अपर लिमिट पुट करना है माइनस लोअर लिमिट, हियर ऑल्सो यू हैव टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हियर ऑल्सो यू हैव टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हियर ऑल्सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू विल गेट द फाइनल आंसर. डोंट फॉरगेट टू गिव हियर माइनस साइन, हियर माइनस साइन इज देयर राइट. माइनस साइन को यूज करना है सिंप्लीफाई करने के टाइम में, माइनस और प्लस साइन को ठीक से चेक करके वैल्यू पुट करना है. अपर लिमिट और लोअर लिमिट ठीक से पुट करो, फोर टाइम्स यू हैव टू पुट. इन दिस टर्म यू हैव टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हियर ऑल्सो यू हैव टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हियर ऑल्सो यू हैव टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड हियर ऑल्सो यू हैव टू पुट अपर लिमिट. सो आफ्टर पुटिंग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यू जस्ट सिंप्लीफाइड, यू गेट द आंसर. मैं कैलकुलेशन पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पर खुद कर सकते हो. जस्ट कंडीशन कैसे निकालना है, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो मैं दिखा दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस नाउ.